सीआईएसएफ, सीआईएसएफ इसमें एक तो है एएसआई स्टैनो की, एएसआई स्टैनो की भर्ती है जो कि वन स्टार भर्ती है ये, समझ रहे हैं। और एक है क्लर्क की, जिसका नाम आया है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर नाम से, ठीक। अब ये स्टैनो पोस्ट जो है वो हिंदी और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड वालों को है, दोनों ही पोस्ट है इसमें। स्टैनो जो पोस्ट है हिंदी शॉर्ट हैंड और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड दोनों को है। ऐसे क्लर्क की पोस्ट भी हिंदी और अंग्रेजी की है। अच्छा, जो स्टैनो पोस्ट पे जाओगे तो आप लोगों को शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो जिन्होंने हिंदी सिलेक्ट करी है उनको हिंदी की शॉर्ट हैंड करनी होगी, जिन्होंने अंग्रेजी की करी है उनको अंग्रेजी की करनी होगी, समझ रहे हैं। शॉर्ट हैंड वाले में टाइपिंग का टेस्ट नहीं होना है। और जो खाली क्लर्क का भरेंगे फॉर्म, उसमें सिर्फ टाइपिंग टाइपिंग का होगा। और इसमें भी ऑप्शन होगा आप हिंदी की टाइपिंग देना चाहते हैं या अंग्रेजी का। जिसने हिंदी सेलेक्ट करा है टाइपिंग, वो हिंदी देगा, और जिसने अंग्रेजी सेलेक्ट करा है वो अंग्रेजी, समझ रहे हैं। अब हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के भी मैं फॉन्ट, वो जो जो फॉन्ट मांगे उनके बैच चला रहा हूँ टाइपिंग के, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन तो जो चालू है टाइपिंग के, एक हिंदी का टाइपिंग का जो चालू है वो 8 सितंबर से चालू है, ठीक है। ये चैनल पर, इसी चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, इसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड करके डाली गई है। और कोई समस्या आ रही है या आपको कुछ पूछना है तो 8273-5170-90 पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं इसको खुद ही पिकअप करता हूँ, ठीक है, और खुद ही रिसीव करता हूँ। और अंग्रेजी का भी चल रहा है 0 लेवल से, इसकी एक वीडियो 0 से चल रही है, और सभी बैच जो चल रहे हैं 0 लेवल से चल रहे हैं। आपको आती है तब भी, ना आती है तब भी, और जिनको आती है उनको तो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट टेस्ट लगाएं वो, टेस्ट यहाँ पर टेस्ट वाले बैच चलते हैं उनके साथ में लगा लें, ठीक है। इंग्लिश का भी 16 तारीख से इंग्लिश टाइपिंग का भी 0 लेवल से चल रहा है, 0 लेवल से चलेगा। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग के। सर इसके भी बैच पढ़ा दो, हमें बहुत बच्चों के फोन आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से कि सर हमारे क्षेत्र में शॉर्ट हैंड सिखाने वाले नहीं है, हमारे क्षेत्र में टाइपिंग सिखाने वाले नहीं है। तो वो दुनिया ही फीस दूर है, और ढंग से ना समझा रहे हैं और ना पढ़ा रहे हैं। अभी क्या है, ये क्लासों में सब फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मैं चाहता हूँ, ये ऐसी भर्ती है इसमें फिजिकल तो है, उसमें रेस वगैरह कुछ नहीं होती है, बहुत सरल स्पीड है, सारी भर्ती है शॉर्ट हैंड टाइपिंग पे टिकी हुई है। रिटर्न भी होता है, बहुत सरल है इसका, इसके फिजिकल में ना तो कोई रेस लगनी है, ना कूद फांद लगना, कुछ भी नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी हाइट वगैरह नपेगी, बस हो गया फिजिकल। उसके बाद रिटर्न परीक्षा है, रिटर्न परीक्षा में 100 नंबर की है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग, ना आप पास हो जाओगे, उसमें भी बहुत सरल रहता है, अभी से पढ़ोगे तो। उसके बाद ये भर्ती जो टिक जाती है स्टैनो की, तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग और क्लर्क की खाली टाइपिंग पर। अब स्टैनो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक हिंदी वाले और एक अंग्रेजी वाले। तो हिंदी वाले हिंदी की शॉर्ट हैंड लिखते हैं और हिंदी में ही टाइप करके देते हैं, उसको अनुवाद जो करके देते हैं। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में ही शॉर्ट हैंड लिखते हैं और अंग्रेजी में ही टाइप करके देते हैं उसके अनुवाद को, समझ गए। तो अब इनका 0 लेवल से बैच चल रहा है, 8 सितंबर से प्रारंभ कर दिया गया है। आपको इसी चैनल के 0 वो प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। और अंग्रेजी का हो रहा है 0 लेवल से शुरू, जो कि 16 सितंबर से हो रहा है, बिल्कुल 0 लेवल से, समझ रहे हैं। और ये हो कितने दिनों में जाएगा, ये कोर्स चल रहा है जो कि 25 से 20 या 25 या 30 दिनों में आपका पूरा हो जाएगा।
कोर्स होने के 1 से 1.5-2 महीने में आप अपनी इस एग्जाम लायक स्पीड बना लेंगे, ठीक है? आपके एग्जाम तक बहुत अच्छी खासी स्पीड करा दूंगा। ये स्पीड करा दूंगा कि आप 0 से 5 के बीच मिस्टेक ला रहे होंगे और 0 सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा ही, ठीक है? सभी 25 से 30 दिन में क्या कर लेंगे, कोर्स चाहे हिंदी का है चाहे अंग्रेजी का है, अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का है चाहे हिंदी का है, उसके बाद में आपसे 1 से 1.5-2 महीने में कायदे अनुसार जो मैं बताऊं उससे आप स्पीड भी बना लेंगे। अब बात आती है जो भाई जीरो लेवल से सीखना चाह रहे हैं उन्हें तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, जो सीखे हुए हैं कि सर हम तो 80 का मैटर लिख लेते हैं, 100 का भी लिख लेते हैं, हिंदी वाले बोल रहे हैं या अंग्रेजी वाले बोल रहे हैं कि सर हम तो 80-100 मैटर लिख लेते हैं, तो आप हमको मैटर लिखना सिखावें और गलतियों के बारे में सिखावें, तो क्या है इसी चैनल पे 80 और 100 के मैटर आ रहे हैं पर डे, मैं भेज रहा हूँ CRPF वालों को, CISF वालों को उन्हीं के मैटर भेज रहा हूँ, SSC वालों को उनके मैटर भेज रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, पर डे का वो मैटर लिखना है 80 या 100 का, और उसका ट्रांसलेट करके अनुवाद करके मुझको उसका टाइमिंग, अनुवाद टाइमिंग क्या आया, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जो भी, एक तो ये बताना है अनुवाद टाइम, और अपना जो अनुवाद कराया उसका स्क्रीनशॉट और अपनी शॉर्ट हैंड जो लिखी थी, वो तीनों चीजें मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसमें जो कमी आ रही है और जो आप गलती छोटी कर लेंगे वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। वही काम आप अंग्रेजी वाले करें, वही हिंदी वाले, और अगर और बड़ी समस्या रहती है तो शाम के 6 बजे से 10 बजे तक मैं कॉल पर भी बात कर लेता हूँ आप लोगों से, कभी भी कॉल कर लेंगे। बात आती है कि सर ये तो हाई स्पीड वालों को हो गई, हमने तो कोर्स समाप्त करके अभी स्पीड पे हैं, जो 50 या 60 या 70 इससे ज़्यादा ना लिखी जाती हमसे, ना लिखी जा रही है, तो हमें कैसे मिलेगा? तो आप लोगों को बेटा कोर्स समाप्त होने के बाद में जीरो लेवल से स्पीड भी स्टार्ट करने के भी उसमें पर डे स्टोरी डाली जाएंगी और उन पे कैसे छोटा करोगे और जल्दी से जल्दी स्पीड पे कैसे पहुंचोगे आपको बता दिया जाएगा, सही है? तो आप सभी भी अपने CISF में ASI स्टैनो और क्लर्क बनने का सपना पूरा करो। ये आराम से बैच चल रहे हैं और ये चालू होने वाला है, और कोई दिक्कत आती है तो मेरे से ये पूछ सकते हैं। फीस वगैरह को पूछ रहे थे काफ़ी बच्चे, अभी कोई फीस चालू नहीं करी है ऑनलाइन, ऑफलाइन ही तमाम बैच लग रहे हैं, उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर भी ये एक प्रकार से मैंने चालू करा है। आप अभी पढ़ें, फीस लूँगा तो इतनी नहीं कि आपको परेशानी हो जाए, बहुत मिनिमम फीस में आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपको लग जाओ, और लगन अभी तो माँ बाप का ही पैसा दोगे आप लोग, कोई अपने पास तो रखे नहीं, तो ऐसे जो कि मेरा भी नुकसान ना हो आपका भी नुकसान ना हो, पढ़ लो आप, वाकई बाद में लगे तभी देते रहना मेरे को, ठीक है? पढ़ाई करो अभी, अपना सपना पूरा करें, ठीक है? चलो तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये बैच चालू हो रहे हैं, ये तो चालू है 8 सितंबर से और ये शुरू हो रहा है, ठीक? और कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।